गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप। हैदरगढ़ क्षेत्र के हातमगढ़ का मामला। हिंदू संगठनों का कहना, क्षेत्र में काफी मात्रा में हो रहा है गौवंश हत्या का कार्य। एडिशनल एसपी सहित पुलिस पहुंची मौके पर। प्रस्तुत है ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। जी हां, हैदरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम हातमगढ़ के जंगल में गौ अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि जंगल से पानी निकलने के कारण बनने वाली नाली के आसपास पेड़ कटे हुए थे और पशुओं के अवशेष मिले हैं। पशु खून के निशान भी मिले हैं जो कि लगभग एक या दो दिन पुराने बताए जा रहे हैं, जिस पर लोगों के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर हैदरगढ़ पुलिस सहित एडिशनल एसपी संजय साहू, एसडीओ भारत भूषण शर्मा, थाना प्रभारी काशीराम कुशवा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। अवशेषों को जांच के लिए पशु चिकित्सक को सौंप दिए गए हैं। ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। गौ रक्षा मंच वाले हैदरगढ़ और हिंदू रक्षा मंच वालों को ये जानकारी मिली सुबह पुख्ता सूत्रों से कि हातमगढ़ के जंगलों में पशुवध के निशान मिले हैं। तो हम सब लोग लड़के यहाँ पर उपस्थित हुए। पहले हम कुछ कम लड़के आए तो हम लोगों ने अपने स्तर पे देखा, पर हम लोगों ने आसपास सूचित करा और हमने देखा तो 5 से 6 स्पॉट वहाँ पर ऐसे मिले हैं जहाँ पर गौवंश मिला है, गौवंश के अवशेष मिले हुए हैं, कुछ 2-3 दिन पुराना खून मिला हुआ है वहाँ पर। और इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन में सूचित किया, डायल 100 पर कॉल किया तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया। उनके सामने हमने वीडियोग्राफी करवाई है और हमारी मांग है सरकार से और पुलिस प्रशासन की इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, पूरा हैदरगढ़ थाना जो है इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं और रात में ये घटनाएँ होती हैं। और जो हातमगढ़ में हुआ है, हम सभी जो गौ रक्षा मंच वाले और गौ प्रेमी लोग हैं सरकार से कठिन से कठिन कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो आप बता सकते हैं, कोई संदिग्ध घेरे में यहाँ कौन आ सकता है? ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस प्रकार के कार्य पहले से भी होते रहे हैं और अभी ये सूचना मिली है तो ये हमने आपको मीडिया में ही बताया और सारे पुलिस प्रशासन को भी हमने जानकारी दी। यहाँ पर स्पॉट पर कुछ तरीके के साइन मिले हैं कि यहाँ पर संभवतः किसी पशु की हत्या की गई है। इसको लेकर के अभी थाना हैदरगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया गौवंश पुलिस अधिनियम के अंतर्गत और उसमें जिन लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया जा रहा है उनकी उनसे पूछताछ की जाती है कि यदि उनको वो यदि इस घटना में शामिल होंगे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जानकारी में यह कई सालों से चल रहा पर प्रशासन की नज़र में अभी पहली बार आया क्या? इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद कार्रवाई होती है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जब इन्फॉर्मेशन आई है तब तक कार्रवाई होती है।